श्री नानक पुरशोत्तम परम पुरावर नाथ जुगल चरण मम वंदनाम तर पर तर कर बाथ जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन कौ वंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, मैं अपने सुभा के मुताबिक मंजी सब तकरीबन गल करता रहना है। शंका ते श्रद्धा ससे पर बिंदी तो आरंभ होते हैं। एक जमाना सी लोगों में श्रद्धा होती सी, आज जमाना बदलिया, आज श्रद्धा की शान से शंका ने जोर फड़ लिया। मैं ये लफ्ज आम तां कहना कि मेरे नगर संत ज्ञानी गवर्नर सिंह जी खालसा 13 वेरा गए, दो दो महीने उन्हें कथा करनी, कदे किसी ने शंका नहीं सी कीता भी आ बाबिया ने गल क्यों कही। आज जदों भी कोई साडा वीर प्रचारक रागी ढाडी संत मंत ज्ञानी कोई भी गल करता तो असी श्रद्धा की तां ते शंका कढ़दे आ, इन्हें यह गल गलत कही, इन्हें आ गया, यह लफ्ज मेरे अंदर क्यों आए। एक अजकल एक नवा जथा बनया डुलडी पंथ, एक तो ना गुरु पंथ जेड़ा गुरु नू मनदा गुरु की आग्या के मुताबिक चलता उन्हूं कहिंदे गुरु पंथ। एक नवा पंथ पैदा होया उहदा नाम है रखे डुलडी पंथ। उन्हां दा सारिआं तों पहला अटैक है कि संत ही नहीं होया। मैं एक गल तकरीबन कहिंदा रहा तो इत्थे भी कहां, असीं किसे ज्ञानी दे सिख नहीं, किसे सिंह साहब दे सिख नहीं, किसे व्यक्ति दे सिख नहीं, असीं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे सिख हां। ते जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहण उन्हां ते शंका करना यह बदकिस्मती है। मैं सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं बेनती की, क्योंकि मालक है ना महाराज, मेरी ड्यूटी लगी मंजी साहब, लोग शंका करते ने ते तुसी कृपा करके मैनू दसो भी मैं संत दे बारे बोलां ते की बोलां। सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहण लगे पुत्रा जे तू मैनू पुछिया ना ते संत ते रब च फर्क ही कोई नहीं। वो पंक्तियां जे कोई डुल्ली पंथ का बंदा सुनदा ना वो कृपा करके नोट कर लै, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहिंदे संत अनंत है अंतर नहीं, संत अनंत विच कोई फर्क नहीं। लेकिन जिवें आपां सुनियारे की दुकान ते जाने आ, ओ कसवटी दे नाल सोने की परख करदा, उगर गया जैसे खोटा ढबुआ नदर सराफा आया, जदों ओ कसवटी दे लाउंदा ना ते सोना पासे कर लैंदा ते तांबे नूं बगा के सुट दिंदा। तो गुरमुखो तन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह मतलब कहिंदे ने संत अनंत विच कोई फर्क नहीं, पर आपां नूं पता नहीं चलना भी संत है कि नहीं। अजकल तां ओ बाबे दी जाए जाए कारण लाचियां नूं फूकां मार मार के दित्ती जाए।
जेड़ा पानी दियां बोतलों में फूका मार के दिती जाए, जेड़ा हथौड़ा करी जाए, उन्हू कहिंदे ने अजकल दे लोकी संत। ते जेड़े संत नू आपां चेते कर रहे हैं ना, असीं गुरबाणी च पढ़दे हां सत संतोख होवे अरदास तां सुण सत बहाले पास। मैनू नहीं पता भी दूजे गुरमुख प्यारे इत्थे किस भावना दे नाल आए ने, पर मेरे आउण दा इक्को एक कारण है, सारे पापां चों वड्डा पाप मन्निया अकिरत कणता दा, जिहड़ा किसे दी नेकी नूं भुल जाए उहनूं कहिंदे ने किरत कण। गुरु की बाणी कहिंदी भारे भोई अकिरत कण मंदी हूं मंदे। ये लफ्ज मैं तां कहे ने, जिथे आप आए हैं ना इस घर ने साडे ते परोपकार कीता, नेकी कीती, ते असीं इहनां दा धन्नवाद कर लें। जिहनूं तुसीं कहिंदे ने बंडल ऑफ थैंक्स, पढ़े लिखे अजकल अंग्रेजी बोलदे कहिंदे बंडल ऑफ थैंक्स, मैं तां बंडल ऑफ थैंक्स करन वास्ते आया। संत बाबा दयाल सिंह दे सत्कारयोग पिता बापू सोहण सिंह ने साडे ते दया कीती, साडे चाचे संत बाबा करतार सिंह दे रहमतां कीतियां, उहनां नूं दमदमी टकसाल दे मुख सेवादार दी सेवा दे विच उहनां विशेष तौर ते हिस्सा पाया, ते मैनूं अजे तक चेते है। याद रख्या जे संत मौत ते हावी है, मौत संत नूं जितदी नहीं। समा नहीं कि मैं इस पासे वल जावां, जिथे आपां बाबा नौत सिंह दे अस्थान ते जाने आ ना, जिहड़े बाबा बिशन सिंह तों पहलां उत्थे जथेदार सन, कहिंदे सिंघो तुहाडे नाल रहे हां, हुण सचखंड प्याना करना ते भुल चुक माफ करिया जे, गुरु सारिआं दा भला करे। मेरे तों बाद बाबा बिशन सिंह जी आनंदपुर साहब वाले आउणगे, दस्तार सजा दिया जे, ते प्रेमियां ने आख्या बाबा जी किन्ना क टाइम लगेगा, कहिंदे दिहाड़ी डंग, कहिंदे फिर उन्ना चिर गांह कर दिओ। बाबा बिशन सिंह जी आए, उन्हां महापुरशां ने हथीं दस्तार दे करके फतेह बुला करके सचखंड नूं प्याना कीता। एक घटना इस थां ते वी वापरी, मैनूं चंगी तरह चेता, जदों संत बाबा करतार सिंह होरां नूं बाबा सोहण सिंह ने बुलाउणा, तो उन्हां कदे नहीं सी आख्या संत जी, उन्हें कदे नहीं सी आख्या बाबा जी, कहना आप पुत करतार सिंह की हाल है तेरा। ते संतां महापुरशां ने उन्हां नूं पिता समान जानना। संत बाबा सोहण सिंह जी बाबा दयाल सिंह जी नूं कहण लगे, पुत दयाल सिंह मेरा करतार सिंह नूं मिलण नूं बड़ा चित करदा है, ते मेरे पन की भावना कि जे मैनूं करतार सिंह एक बार सुखमनी साहब का पाठ सुना देना, ते मेरी ये मन की भावना पूरी हो जाए, मुड़ सचखंड प्याना करना। बाबा दयाल सिंह होरां ने तार भेजी, उदों जथा बंबे सी, उत्थों महापुर चल के आए। विशेष तौर पर मैं बेनती करा, इस तरह तो सानू गुरबाणी का अदब मिलता है, इत्थे लाचियां नहीं जे मिलनियां, इत्थे तागे नहीं जे मिलने, इत्थे बोतलों च फूका मार के अमृत नहीं बनाया जाता, इत्थे आप जपना ते होरना नू जपाउण दी प्रेरणा की जाती, बेनती की जाती है। जे मैं सूखम भाखा विच कहां ना, ते बाबा दयाल सिंह दा जीवन सी एन एम्प्टी वैसेज, मेघ समझ ना आए, शीशी खाली जिहड़ी बोलती है, बाबा दयाल सिंह बोलते नहीं सन, भरे हुए सन। जिहड़ा खाली है ना वो ज्यादा बोलता, मैं पढ़िया लिखा दे कोल एक बंद जिहा सुनिया, एन एम्प्टी वैसेज मेघ समझ ना आए, थोथा घना बाजे घना, जिहड़े साडे वर्गे खाली ने वो बाहां हला हला के लैक्चर करते ने, ते जिहड़े भरे हुंदे ने ना वो बोलते घट ने। यह बाबा दयाल सिंह का जीवन सी, जे को मैनू पुछे ते कहण लगे भाई दयाल सिंह पुत करतार सिंह नूं बुला। बाबिआं ने तार कीती, संत बाबा करतार सिंह जी रात दे टाइम ते आए, शाम दे टाइम ते, ते कहण लगे पुत मैं तेनू उड़ीकदा सां, मैं वार वार रिपीट कर रहा गुरबाणी का अदब, गुरबाणी अदब ना धारा, जाणो सेने सिख हमारा, महापुरश पणगे ते बराजे सन, चेचे तौर ते उच्चा मेज मंगा के संत बाबा करतार सिंह होरां नूं बिठाया, उन्हां सुखमनी साहब का अकागर चित हो के पाठ किया, ते कहण लगे करतार सिंह भाई मेरा कार्ज हुण पूरा हो गया, मैनूं इशनान कराओ। उपरंत जपजी साहब का संपूर्ण पाठ करके इशनान पान करके आख्या, सिंह जे को
गुरु पंथ की सेवा करदिया वाधा घाटा हो गया तो आपना जान के माण बख्शिया जे माफी दिया जे ये बाबा सोहन सिंह लफ्ज वरते और उन्होंने थां ते बाबा दया सिंह ने उस जोत नूं प्रचंड रखिया। मैनू यह भी चेते है भी जदों महापुरशां ने प्याना किया ना उदों असीं दो दो सिंघां ने एक एक अखंड पाठ किया। मेरी अपनी ड्यूटी रही गुरु अर्जन सच्चे पातशाह दे पावन स्थान है मेरी ड्यूटी उत्थे सी असीं दो दो सिंघां ने रल के रौला ला के ते एक एक पाठ संपूर्ण किया। उन्होंने कोतरी काई संत बाबा करतार सिंह बरां ने विचों गल सुभाविक आ गई। बाबा दया सिंह दे जीवन बारे जे कोई पुछया जावे मैं पहले तुहानूं बेनती की ना कसवटी ते साडे कोल कसवटी है गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी बाणी। मैं वार वार रिपीट करदा है असी किसे ज्ञानी दे सिख नहीं असी किसे व्यक्ति दे सिख नहीं असी किसे प्रधान दे सिख नहीं असी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे सेवक हां ते जिहड़ी ओह गल कहण ओह कदे गलत नहीं हुंदी। दूजे नंबर ते असी भाई गुरदास जी दीआं वारां पढ़दे जिहनूं असी आम करके आम प्रचलित बोली च कहिंदे आ गुरबाणी दीआं गुरबाणी दी कुंजी उहदे मुताबक जदों मैं इत्थे आया ते मेरे मन विच विचार आई कि मैं बाबा जी बारे की बोलां ते मेरे सामने एकदम भाई साहब भाई गुरदास जी दीआं वारां आ गईआं मैनूं तकरीबन कंठ ने। बाबे दा बाबा जी जीवन सी भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी अकॉर्डिंग टू भाई गुरदास उन्होंने उन्होंने वड्डा भगत आख्या क्यों माया विच रहिंदिआं होइआं भी माया की पकड़ विच नहीं। अज दुखांत नाल कहिंदा है कहना पैंदा है जदों कोई बहुते पैसे रखता ना तो साढ़े जकारे ही छड़दे ने फलाने ने 51,000 दिता तो जकारा छड़ो। मैं कहना होना यह जकारा मलक भागो का है भाई लालो का नहीं। बाबा दया सिंह नूं किसे ने रुपया भेट किया तो उन्होंने वह भी प्रवान कर लिया। जे जे किसी ने 500 दिता तो वह भी प्रवान कर लिया पर यह नहीं आख्या भी जिन्हें 500 दिता उन्होंने सराहने वाले पासे पाओ। कहण तो भाव मैं बेनती की है भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी ते धन गुरु अमरदास पातशाह दीआं पावन पंक्तियां कहो नानक गुरप्रसादी जिन्हां लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। फिर बाबिआं ने ना खलो के अरदास करनी ना कोई जकारा छड्डना ते प्रेमियां ने कहना बाबा जी पचंगी नहीं होया उन्हें कहना कोई नहीं गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह कृपा करनगे। ते मैनू किसी ने पूछ लिया मेरे विद्यार्थी ने इत्थे अथर सिंह कथा वाचक आए ने गुरमुख प्यारे ज्योति स्वरूप कथा करदे हो मेरे विद्यार्थी ने मैनू कहिंदे ज्ञानी जी वो बाबे बोलते भी नहीं उठ के अरदास भी नहीं करते ते बाबा दया सिंह की गल मन्नी किवें गई ये मैं तुहाडा विद्यार्थी ते मैनू थोड़ा जिहा क्लीयर करो। मैं उस ज्ञानी जी नूं बेनती की मैं कहा भी आपां गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे सिख हाँ ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहिंदे सत संतोख होवे अरदास तां सुण सद बहाले पास। उस महापुरशां दे कोल गुण सी एक सत दूजा संतोख एक सत ते पहरा दिता। एक आपां पुराने बजुर्गां कोल शेर सुणदे होंदे आ एक वो मर्द है जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ एक वो मर्द है जो जमाने को बदल देते हैं। जदों 78 दा कांड होया उदों संत बाबा जरनैल सिंह दे नाल मोढे नाल मोढा ला के संत बाबा दया सिंह होरां ने उत्थे प्रदर्शन किया भी सानू जुल्म प्रवान नहीं। कहण तों भाव यह कि अपने आप को छुपा के रखिया लेकिन उन्हां दे कर्म करके उन्हां नूं आपां चेते करते हाँ। समय के मुताबिक मैं समाप्ति करा क्योंकि मेरे तो बाद बहुत सारे गुरमुख प्यारे विद्वान वीर आए उन्हें बोलना है। भाई साहब भाई गुरदास दीआं वारां दे विच एक संत की एग्जाम्पल लिखी एग्जाम्पल उदाहरण वो की है असी पढ़ते हाँ महापुरख अचान चक गणका वाड़े आए खलोता। गणका का भाव हुंदा है जो कुछ दे के ते लैण दी भावना रखती है। अज का जो कमर्शियल हो गया कमर्शियल असी वेदांत पढ़ते तो लफ्ज आउंदा वेसवा वेसवा तो भाव हुंदा वैश कुछ दे के ते कुछ लैण दी भावना रखनी उहनूं वेसवा भी कहा गया है।
उन्हों गणका भी किया गया है, कणियां लह दियां, महापुरुष तुरे जा रहे ने, वेसवा का दरवाजा खुला है ते दरवाजा खुला जान करके महात्मा उहदे घर चले गए। भाई साहब भाई गुरदास लिखते ने, महापुरुष अचान चक गणका वाड़े आए खलोता ते उपर वेख्या, वेसवा कहिंदी उपर आ जाओ, ते महात्मा कहिंदे धीए राणियां कणियां खलो गईआं असीं चले जाणा। ये संत है जेड़ा वेसवा नूं भी धी कहिंदा है। अज असीं किसे दी चिट्टी चमड़ी वेख करके ते नाल नाल धौण फेरदिआं धौण अपने अंदर झाती मारीए पड़चोल करिए, उन्हें आख्या उत्तर आ जाओ उपर आ जाओ, ते महात्मा कहिंदे असीं धीए चले जाणा। असीं गुरबाणी पढ़दे सारे लैक्चर ते भाषण नहीं, लेकिन दर्शन करदिआं मन नूं ठंड पै गई। थले उतरी कुछ ना कुछ देंदे हुंदे ने, दुरमत देख दयाल होए हथों उसनूं दितो सुतोता, उहदे ते क्रोपी नहीं कीती उहनूं कौड़ा नहीं बोलिया। ध्यान दिया जे अज असीं अपने आप नूं बड़े धार्मिक समझदे हां, बंदा शराबी आए ते कहिंदे मत्थे ना लगे, तू दाढ़ी बनाइए ते परा रहो, ते जे कहिंदा ज्ञानी जी 2000 रुपया मैं तुहानूं पेड करना, कहिंदे सजे पासे पा दे जेब च, उदों पुछे भी शराबी नहीं हुण नहीं इहदी दाढ़ी मुन्नी, मैं किते होर स्टेशन तों बोल रिहा, मेरे कहण तों पाप जे दाढ़ी मुन्निया ते उहनूं जफ्फी पा के आ गया गुरू के सिखा, आपां कलगीधर दे पोतां ते तेरा कलगीधर नाल मुहांदरा नहीं मिलदा, कलगीधर वर्गा बण गए। शराबी है उहनूं जफ्फी पा के आखणा भरा बणीए, क्योंकि साडे गुरू की हदायत अमृत कौरा विख्या बिछी सागत कीपत नैनों डीठी, असी उन्हां नूं नफरत नहीं करनी। अंग्रेजी वाले लोग कहिंदे हेट सिंज नाट सिनर्ज, बुरियाई नूं नफरत करिए बुरे नूं नहीं, उन्हां नूं गल वकड़ी पाइए। महात्मा दे अंदर दया आई, दुरमत देख दयाल होए हथों उसनूं दित्तो स्तोता, लिव लागी ते स्तोत्यों दुरमत पाप कलेवर धोता, गई बकुंठ बबाण चढ़ के विच ना खाधो सगोता। यह साखी मैं प्रमाण के तौर पर तां वरती है, महात्मा की संगत वेखो जूती वरती, कहण लगे धीए राणीए सवेरे इशनान करके अगे अगे राम राम बोलनी, मगर तोता राम राम बोलेगा, और उस तोते दे बहाने उस बीबी की कल्याण होगी, विकुंठ का भाव हुंदा जिथे किसी प्रकार का कोई दुख ही ना होवे। इहो जिहा जीवन सी उन्हां महापुरशां दा, आपां उन्हां नूं चेते किस करके करदे हां, क्योंकि बाणी कहिंदी बबाणियां कहानियां पुत सपुत कहिण, बबाणियां तो पाप बाबे बजुर्ग जिन्हां ने कुछ ना कुछ कीता ना, उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लै करके असीं अपने जीवन नूं सेध देने हां। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह साडे ते कृपा करन, साडे ते रहमत करन, उन्हां महापुरशां दे जीवन तो सानूं भी प्रेरणा मिले, साडा भी जीवन उन्हां वर्गा सच्चा ते सुच्चा बने। ये धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे चरणां विच अरदास बेनती है। सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज जी का धनवाद, महापुरश संत बाबा अवतार सिंह होरां दा धनवाद, समुची संगत का धनवाद, भुलां चुकां की माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।